ये कहना चाहती हूँ, ये लड़का हमारा शाना शार्दुल जो अब बेचारा शार्दुल बन जाएगा करते करते ये मिर्ची, he is one guy who doesn't know the definition of give up. करता रहेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा. बट आई थिंक एक होता है ना लगन और चाहत, इसके अंदर चाह बहुत है बहुत कुछ करने की, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ. ये एक्चुअली कभी हुआ नहीं है, ये क्योंकि मैं मर गया कि नैना कुछ अच्छा बोल दे, मतलब पर नहीं, नैना से नहीं होता था. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ शार्दुल एंड लिटरली यू आर गोइंग टू डू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्क इन योर लाइफ एंड भगवान करे कभी तेरे को कभी काम की कभी ना. सो आई वांट टू से दिस बिकॉज ये एक चीज है जो जो शायद हमने शो पे कही भी थी पर शायद सबको नहीं पता थी. There was a task that Naina and I were given and we had to fight like cats and dogs, जहाँ पे हमें एक दूसरे से oxygen खींचना था. Naina herself has gone through a lot of struggle in the past few years. I had gone through that too. हम बहुत अच्छे दोस्त उस moment के पहले नहीं थे, but एक moment था जहाँ Naina भी वो mask खींच सकती थी और अपने आप को save कर सकती थी और मैं भी वो mask खींच सकता था और अपने आप को save कर सकता था. But at that time a bond developed and both of us instead of snatching it we hugged each other. Yeah, और हम दोनों सीधे nominate हो गए, जिसके एक हफ्ते बाद Naina unfortunately चली गई, उसके एक हफ्ते बाद मैं चला गया. Fortunately. But लोगों ने बाहर बहुत कुछ कहा कि अरे इन दोनों ने तो ये नहीं किया, उसकी बॉम्ब निकले लोग. And me and Naina wanted to say this and today thank you. अगर आप लोग एडिट करके ना दिखाएं तो दिखाइएगा कि लाइफ में इट्स नॉट ऑलवेज कि आप किसी की लाइन काट दो, इट इज ऑल्सो अबाउट यू यू हेल्प सी योर फ्रेंड्स ग्रो. लाइक टूडे when ये सब हो रहा था and I just called Naina कि तुम प्लीज़ आ सकती हो, अभी just called Sahil कि तुम प्लीज़ आ सकते हो. This is what people in the industry do for each other. It is not always that आप किसी को नीचे करो, but I am really really grateful that Naina ने उस दिन जो वो किया और मैंने किया, because after that I think Naina is somebody I want in my life forever as a friend. And after today, Sahil also, because, genuinely, because, there's a perception about actors, ki actors ek dusre ko support nahin karte hain, jalte hain, all that shit. But look at them, they're sitting here. Inka koi aane ka personal wo nahi tha, paise nahin diye hain humne. Theek hai, aur paise dene padte to hum log shayad nahin bula paate the, Sahil jaise bade star ko. Achha, achha, achha. Main bhi leti paise yaar. No, thank you so much. Is tarah se aapki bonding hai, aur aapke liye aaj bahut hi मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि मीडिया कहता है कि टेलीविजन की न्यूज कवर करेंगे रेडियो की नहीं, वो हम लोग तो कवर करते हैं. तो मैं वही मैंने कहा लगती थी पर अब ये चेंज होगा. मुझे इस बात से मिर्ची लगती है जब लोग ये कहते हैं कि आपकी अच्छाई का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं किया ऑन अ रियलिटी शो. मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, एंड वी विल चेंज ऑल ऑफ दैट. मुझे मिर्ची लगती है जब शार्दुल कहता है मैं उसके गोदी में बैठी थी. बैठी थी, बैठी थी, मैं गवाह हूँ, बैठी थी, ये तो वो खुद नहीं था, मैं गवाह हूँ, मेरी टीम में थी तू. तू देख रहा था? हाँ, मैं देख रहा, मैं तो तुझे. मुझे इस चीज से मिर्ची लगती है कि मुझे किसी चीज से मिर्ची नहीं लगती, अब दुनिया को मिर्ची लगेगी जब रेडियो पे आएगा शाना शार्दुल. अरे बाप रे, नहीं पर Naina को मिर्ची लगती है जब Naina बहुत सुंदर लग रही हो और आप उसकी तारीफ ना करें, बिकॉज़ Naina makes an effort and then she look at you कि you know, मतलब आप खुद ही कर दो. मुझे लिटरली मिर्ची लगती है कि मैं इतने एफर्ट्स डालती हूं, फिर लोग मुझे सिर्फ देख रहे होते हैं, अरे देखते ही रहोगे बोलोगे भी. और साहिल को किस बात से मिर्ची लगती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. अगर कोई लड़की को साहिल के लिए दोस्त या भाई की फीलिंग आए तो साहिल को बहुत मिर्ची लगती है. जैसे इसको बहुत मिर्ची लगती है. कभी मुझे मिर्ची नहीं लगी, कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं है. नहीं मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, भाई के लिए तो कभी नहीं किसी ने सोचा, बट हाँ ये देख मिर्ची लग गई मतलब. हाँ तो इसको तो बहुत चीज, बट हाँ मुझे मिर्ची लगती है सिर्फ और सिर्फ फेक लोगों से जो अपने साथ कैसे रहता है. तू नहीं है, तू नहीं है, अपने साथ कैसे रहता है. मेरे से रियल इंसान नहीं मिलेगा तो, ठीक है ना. और मुझे सीरियसली सिर्फ एक ही चीज से मिर्ची लगती है, वो है फेक लोग जो आपके मुंह पर कुछ होते हैं और सच्चाई में कुछ होते हैं.
सो आई बस उसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे को जिंदगी में. अपनी लाइफ है, जियो, खुश रहो, मजे करो और सबके लिए अच्छा सोचो. दैट्स द मोटो व्हिच आई फॉलो. जो अगर कभी आप आई थिंक हम लोग जो सोच रहे होते हैं वो उनको एक इमेजिनेशन दे देते हैं गाने. सो आई थिंक फॉर मी सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू माई ओन सेल्फ. फॉर मी सॉन्ग्स आर माई फ्रेंड्स व्हेन आई एम अलोन और व्हेन आई एम देयर इज नो वन अराउंड मी. सॉन्ग्स आर द थिंग्स. कॉल मी नया. आई डोंट वांट टू कॉल यू. यू डोंट पिक अप. आज ही सुबह का ही ले लो, 10 बार फोन कर दिया. Yeah. नहीं उठा रही थी. टाइम ही नहीं उठाती ना कभी फोन. सो आई थिंक सॉन्ग्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन आई एम अलोन, व्हेन आई एम एनी इन अदर इन एनी मूड. दे लिफ्ट मी अप एंड दे आर ऑलवेज देयर विद मी. For me, songs mean everything because हम जितने भी normal लोग होते हैं हर कोई शायर नहीं होता है, हर कोई singer नहीं होता है और अपने आप को express नहीं कर पाते. और कई बार ऐसा होता है कि आप जब वो गाने सुनते हैं तो you relate to this thing. You know, in fact, अंदर हमको बोला गया था एक दिन आके कि गाने गाना बंद कर दो. हाँ. क्योंकि सारे contestants गाने गा गा के अपनी feelings दिखा रहे होते हैं. और मैं तो मेरा तो problem है कि मैं हर चीज़ में अगर मैं रोटी बना रही होती तो मुझे गाना गाना होता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे गाना होता है. अपना जो वॉट है मैं शार्दुल के लिए गाना गाना चाहती हूँ. मतलब मस्त बहारों का ये आशिक चाहे किसी से प्यार करे, चाहे किसी की जुल्फ से खेले, चाहे किसी के गोदी में बैठे. सारा जहां है तेरे. एक तो अच्छा गाना गा रही हूं मैं. तुम एक गोदी में भी गाना हो जाए. अब मुझे लगता है गोदी में गाना और आग हो जाए. एक गोदी में गोदी जी का गाना ही मैं इनके लिए डेडिकेट करना चाहती हूं. अगर अब ये बकवास करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है. चरित्र माय गॉड. ऑलराइट, मैं नैना के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा बिकॉज़ आई यूज्ड टू से दिस टू नैना एवरी टाइम कि तू मेरी प्रियंका चोपड़ा, मैं तेरा नीच जूनस. और द गाना दैट आई वांट टू डेडिकेट टू हमारी प्रियंका इज द देसी गर्ल. द देसी गर्ल 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 झुमका हिला दे इसके आगे का मुझको नहीं आता है. चल तू गा मेरे लिए गाना. मेरे पास है इसके लिए गाना, बट ठीक है इसको खुद के लिए नहीं. बता बता मेरे लिए. मेरे लिए गा. अब तेरे लिए गाना. तेरे लिए देखकर गाने बंद हो जाते हैं मेरे. डिक्शनरी में कोई तेरे लिए कोई गाना नहीं है. साहिल के लिए गाना बचना ए हसीनो साहिल आ गया. हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा. चलो तुम मेरे गाना गा. तुम मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए. सिर्फ इतना बोल दे मैं इतनी सुंदर हूँ क्या बोलना. मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में. तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में. एंटरटेनमेंट के लिए और भी चीजें चाहिएंगी और सही टाइम पे शाना शार्दुल लॉन्च हो गया तो 2-5 मिर्ची पर शाना शार्दुल. ये बिग बॉस भी इधर ही होगा. साला बिग बॉस के लोग इधर ही होंगे. हम तीन तो इधर ही. रेडियो भी उधर ही होगा और गाने भी इधर ही होंगे. एंड विच रिमाइंड मी आई हैव टू गो एंड मीट परिणीति बिकॉज वो भी अभी हमसे कनेक्ट कर रही है. तो आप हमारी प्रियंका से बात कीजिए, मैं परिणीति से बात करके आता हूँ. सो मैं अपनी जनता, अपने फैंस और शार्दुल के फैंस और हम सब के फैंस से ये कहना चाहती हूँ कि गाइस आई लव यू अ लॉट. और बिग बॉस चल रहा है सो व्हाट फॉर रुबीना. और प्लीज ये दिखा देना रुबीना को दैट आई हैव बीन वाउचिंग फॉर हर. बट रियली एंड प्लीज सपोर्ट शार्दुल. प्लीज लिटरली लिसन टू दिस रेडियो मिर्ची 2-5 बजे तक और हमारा शाना शार्दुल आपको इंटरटेन रखेगा.
because it's all about entertainment, entertainment, entertainment. और अब वो सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा. Only on Mirchi. Thank you, thank you. Thank you. सबसे पहले आज के इवेंट के बारे में जानना चाहूँगी कि कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ बोलना चाहेंगे शार्दुल के बारे में, उनका नया सुबह है. आज की इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हम दोनों को ही, क्योंकि शार्दुल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और वो जिस वक्त से गुजरा है और अब अचानक से जिस तरह बाउंस बैक किया है, बहुत खुशी है उस बात की. एंड तहे दिल से हम उसे सपोर्ट करने आए हैं एंड मोटिवेट करने आए हैं. या बहुत बहुत खुशी का मौका है. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एंड स्पेशली शार्दुल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टॉकिंग. यस, ये बहुत बोलते हैं लेकिन वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है. एंड ही स्टार्टेड एज एन आरजे. जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी ही वॉज एन आरजे. सो आई एम वेरी हैप्पी. अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए. सो एंड एक्टिंग भी करते हो, सब कुछ करो, यू नो, बी हैप्पी. एंड वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी टुडे. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज नो लुकिंग बैक एवर नाउ. शार्दुल, जिस तरह से उनकी जर्नी रही है लाइफ की और बिग बॉस में भी रही है, सो क्या कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे? वेल, लाइफ, सच इज लाइफ, इट्स अ रोलर कोस्टर. आई मीन, लेकिन आप जिस तरह से शार्दुल की जर्नी के बारे में पूछ रही थी मैं आपसे कि किस तरह से वो अपना जर्नी जिए हैं, जैसे बिग बॉस में भी दिखाया जा रहा था, तो उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे कि अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे वो आज उनका शो लॉन्च है? तो वेल, मैं तो बोलती हूँ हर चीज़ जो लाइफ में होती है इट्स एन एक्सपीरियंस. आप सिर्फ उससे सीखते हो, स्ट्रॉन्गर होते जाते हो. एंड आई ऑलवेज फील के नेवर लीव समथिंग दैट इज़ योर स्ट्रेंथ. शार्दुल की स्ट्रेंथ है बोलना, ये सब जो मस्ती वो करता है. और ही इज़ एन आरजे. जब मैंने पहली बार मिली थी, मैं उनको दुबई में मिली थी, यानी वाज एन आरजे ओनली. एंड ये उनकी स्ट्रेंथ है, इट्स अप हिज स्लीव. एंड ऑफकोर्स साइड बाई साइड दूसरी चीज़ें करते रहिए, अपने आप को खुश रखते जाइए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ही केम बैक टू रेडियो मिर्ची एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी शार्दुल को जस्ट यही कह रहा था कि दिस इज समथिंग दैट यू डू वेरी नेचुरली. ये एक तेरा टैलेंट है जो पहले से है, क्योंकि तू पहले से ये काम करता है. अभी जो भी लाइफ में तुझे करना है साइड में तू कर, बट ये मत छोड़, ये कर. बिकॉज जब वो कर रहा होता है ना होस्ट, अच्छा लगता है देख के. एक जो एनर्जी लेके आता है वो, जो स्पॉन्टेनिटी लेके आता है वो, और ये गिफ्ट सब में नहीं होता. हम सब में नहीं है गिफ्ट ऑफ द गैब. ये बहुत चुनिंदा लोगों में होता है और आप उसको परख लो और उसके साथ टिक जाओ, वही बहुत है. उनका रेडियो पे शो आ रहा है, सो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो डेडिकेट करना चाहेंगे आप वरुण के लिए? शार्दुल के लिए व्हिच वन डू यू थिंक? शाना शार्दुल वापस आ रहा है तो मैं शार्दुल के लिए खली बली हो गया है दिल में. खली बली हो गया है शार्दुल का शो देख के. खली बली, शार्दुल वापस आ रहा है, मेरा दिल खली बली हो गया है देख के. तो शार्दुल के लिए खली बली हो गया है दिल. और मैं ज्यादा बोलना चाहूंगी, तू न जाने आस पास है खुदा. यू नेवर नो व्हाट जस्ट कम्स व्हेन दैट कॉल कम्स एंड व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी कम्स. सो ही वाज लाइक, जो उसकी लाइफ में हुआ अब देयर इज नो लुकिंग बैक. मैं काफी हद तक फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतना फॉलो नहीं किया इस साल, क्योंकि मेरे घर पे देखते हैं. मैं पसंद तो एक्चुअली कर रहा था अभिनव शुक्ला को. आई डिडंट वांट हिम टू गो. अभिनव डिडंट डिजर्व टू गो, दैट्स ट्रू. या आई मीन, मैं विनर का तो पता नहीं, बट मैं टॉप 2 में तो उन्हें जरूर देख रहा था. और अगर जीतते तो बहुत ही खुशी होती कि कोई डिग्निफाइड आदमी जीता. वेरी डिग्निफाइड. बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी रखी थी, बिना गंद मचाए, यू नो, ऐसी पर्सनैलिटीज भी इतनी दूर तक आए, तो ये आई थिंक और भी लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा पार्टिसिपेट करने का शो में. क्योंकि वरना सबको लगता है आप कुछ ना कुछ गंद मचाओ या कुछ करो तभी आप आगे जा सकते हो. बट अभिनव शुक्लाज गेम वॉज रियली नाइस. आई लाइक पीपल लाइक हिम. इट वॉज नाइस. अली भी अच्छा खेल रहा है. सबका गेम अच्छा है, बट अभिनव was a contestant who deserved to be in the top 2, I feel. Okay. राकेश आवंत जिस तरह से entertain कर रही थी और अभिनव शुक्ला के भी आगे पीछे ऐसा, तो वो आपको कितना पसंद आ रहा था? मुझे वो entertainment नहीं लगा. नहीं, मुझे वो entertainment लगा ही नहीं. और initially चलो हंसी मजाक में ठीक था, उसके बाद बहुत ही नाड़ा खींच देना, ये करना, मतलब वो entertainment नहीं है. अगर ऐसे ही कोई लड़का किसी लड़की का ब्लाउज का लेस खोल देता और बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये नहीं देखा ही नहीं. What? तो
शी पुल्ड हिज नाड़ा अभिनव बराल और मैं तो मस्ती कर रही थी. नो सो वो सब मजाक लिमिट्स नहीं पसंद और आई थिंक कभी कभी वो तो राखी सावंत तो फिर ओवरबोर्ड हो ही जाती हैं. तो ठीक है एक हद तक आई थिंक उनको सबने आके बोल दिया कि आप ही एंटरटेनिंग हैं, आप ही एंटरटेनिंग हैं, तो आई थिंक वो थोड़ी कैरिड अवे हो गई हैं शो में. सो टॉप 3 कौन लगता है कि होने वाले हैं इस बार? I think मैं जितना फॉलो कर रही हूँ लाइक मैं थोड़ा ही फॉलो कर रही हूँ सर बट आई थिंक डेफिनेटली रुबीना राहुल वैद्य एंड हु एल्स अली. आई आल्सो एक्चुअली फॉर मी इट वुड हैव बीन अभिनव शुक्ला बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट वो यू नो आउट हो गए बिकॉज़ ही रियली कैरीड हिमसेल्फ वेरी वेल लाइक डिग्निफाइड थे वो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ चीप हरकतें करनी है या झगड़ा करना है. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ लाइक बाहर रह के भी उन्होंने बहुत डिग्निटी से अपने आप को कैरी किया. सो राहुल अली रुबीना एंड देन इट्स गोना बी राहुल अली एंड रुबीना. काफी अच्छा बॉन्ड है उनका और जाहिर सी बात है जब इतना कोई शो में रहता है इतने वक्त तक तो बॉन्ड हो जाता है तो बढ़िया अच्छी बात है देख के अच्छा लगता है. बट मैं बता नहीं सकता कौन सा है और कौन से चैनल पे है तो बहुत जल्द मैं वापस दिखूंगा सबको एक थोड़े से ब्रेक के बाद और बस स्टे ट्यून्ड बहुत जल्दी अपडेट्स अपने आप आ जाएंगे. वेल मैं अभी टीवी से थोड़ा दूर हूँ मैं वेब की तरफ ज्यादा जा रही हूँ because I just did my show last year Kashmakash with Ijaz Khanuni and ab main web mein zyada dekhungi mera kuch aa raha hai lekin main abhi nahi bol sakti hu lekin bahut jald bahut sare projects aa rahe hain and I'm going to keep you all in the loop and keep supporting. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shud Manoranjan ab haan but main to ab tak hamare set pe koi aaye nahi hai ya mere se I've not interacted with them at least. Ye aapka hai ya hamara sab hai. अच्छा इसलिए इतनी चोट लग रही है नहीं. अरे तुम्हारे शुभ मनोरंजन में पीछे वायर नहीं चल जाएगा कॉर्डलेस है भाई. मुझे लगा जज्बात में माई माई वायर बोल गई. ओके चलिए ये क्या है बॉलीवुड बाई वही तो फनी लग रहे हैं. चलो ढूंढना जाएगा वाह मुझे पता नहीं है बट शायद मैंने भी नहीं देखा. पहले जानना चाहूंगी कि कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ बोलना चाहेंगे शार्दुल का आज नया लॉन्च है उनके रेडियो शो पे. वेल शार्दुल बहुत अच्छे दोस्त हैं. ही इज लाइक फैमिली एंड इससे पहले भी रेडियो कर चुके हैं बहुत बेहतरीन कर चुके हैं. आई थिंक ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रेडियो शो एंड आई थिंक ही इज बैक टू वेयर ही बिलोंग्स फाइनली. एक होता ना कि जंगल का राजा जब फिर जंगल आ जाता है. सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर he's going to do absolutely fantastic. जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है शार्दुल के साथ वो तो बिग बॉस 14 में भी दिखने को मिला था जब आप वीडियो कॉलिंग किए थे उनकी एंट्री पे वो तो लाजवाब लोगों को लगा ही था और अभी आप सपोर्ट करने आए हैं तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी बॉन्डिंग को लेकर? बॉन्डिंग को लेकर क्या, आई मीन जस्ट दोस्त हैं और दोस्तों को तो हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए एंड खास करके तब जब दोस्त वैसे ऐसे माहौल में कदम रख रहा है जहां की उसकी एक्सपर्टीज हैं. सो आई थिंक he does not need my blessings or anybody's blessings because I think wo apne aap mein talented enough hai but as a friend I'll always wish the best for him. You know this is his arena. Yahi se bada hua hai yahi isne sab sikha hai to Shardul ki energy hi change ho gayi thi the moment hame confirmation mila tha that he's going back to where he belongs. Uski body ki energy uski baaton ki energy and he's fabulous. He has a gift of gab. Wo itni achhi baatein karta hai uske paas भाषा इतनी अच्छी है हिंदी इंग्लिश दोनों इतनी साफ बोलता है. विट उसका ह्यूमर इसका बहुत अच्छा है एट पार विद करण देयर बैंटर इज अमेजिंग इफ यू लुक एट. तो बाकी आरजे तोतले हैं क्या इतनी साफ बोलता है मतलब? अरे पर एक कमांड होता अच्छी है अच्छी बोलता है वो ना साफ बोलता है मतलब बाकी तोतले थोड़ी अच्छी बोलता है उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो इंदौरी है तो मध्य प्रदेशी हिंदी अलग होती है. तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उसको जो चाहिए था लाइफ में वो मिल गया है अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आगे. शार्दुल के लिए मैं डेडिकेट करूँ तो कौन सा ऐसा सॉन्ग होगा
शार्दुल के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करूँ मैं? क्या शार्दुल के लिए क्या गाना डेडिकेट करूँ? तेरे लिए कौन सा गाना डेडिकेट करें? यू गुड एट इट। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा बट ऑब्वियसली वो वाला डेडिकेट नहीं करना चाहेगा, तो कोई बेइज्जती वाला करा दो। नहीं तो बेइज्जती वाला क्या कराएं, वही पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है। गुड वन, ऐसे टाइप कुछ होगा। नहीं जॉन सीरियस नोट, आई थिंक शार्दुल के डेडिकेट करेंगे हल्ला बोल फ्रॉम द फिल्म गोल। या ओके या हां, तो मैं अपना कमेंट करूं? मैं अपना करूं? हां वाइफ नहीं है यार चाहूंगा कि वो जीते, एंड जब तक अली है तब तक कनेक्शन है बिग बॉस के साथ। हर इंसान का ना अपना एक नजरिया होता है उस घर के अंदर, बिकॉज उन चार दीवारी में उन 10 लोगों के साथ जब आप इतने सारे दिन रहते हो 100+ days, तो अब नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है या बैलेंस है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड फ्रेम एंड योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी वैसे हो जाता, बट हर इंसान का अपना तरीका होता रिएक्ट करने का, चीज़ों को देखने का। सो यू कांट जस्ट ब्लेम एनीबॉडी फॉर एनीथिंग। टॉप 3 कौन होने वाले हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो रुबीना, राहुल और अली है टॉप 3, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक। रुबीना, राहुल, अली, यस। या अगर विनर के बारे में पूछे तो कौन डिजर्विंग लग रहा है? रुबीना, राहुल ने ज्यादा वक्त बिताया इस घर में एंड अली वाइल्ड कार्ड में आया है, लेकिन पहली बार शायद ऐसा है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट इतनी देर तक टिक गया है एंड ऑलमोस्ट जो टॉप 2 हैं उनके एट पार की फैन फॉलोइंग है। So I think, yeah, deserving तीनों हैं, but मैं चाहूँगा कि अली जीते। And lastly, आप अपने fans या फिर viewers को क्या कुछ message देना चाहेंगे या फिर upcoming project share करना चाहेंगे? Message तो यही जो मैं हमेशा देता हूँ कि प्यार बांटो, नफरत वैसे ही बहुत है दुनिया में, and प्यार बांटते बांटते भूल मत जाना अली गोनी को वोट करना please। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah,